मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास सप्तम श्रेणी इंग्लिश फुल मार्क्स 20। ये देखिए फरवरी मार्क्स में आप लोग फरवरी महीना में मिला होगा, फरवरी का आज हम लोग समाधान करेंगे। देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो, मतलब पहले इसको पैसेज को पढ़ लेना, पैसेज से ही आंसर लिखना है। तो देखिए पहले पैसेज हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए द किंग ऑफ किंग एम्पायर अकबर हु रूल्ड ओवर इंडिया वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट साइंस लिटरेचर एंड अकबर का था। अकबर जो राजा थे वो पूरा भारत पर शासन किया। देखिए वो उनका जो था वो बहुत ही प्रेम करते थे किसे, कला से, विज्ञान से, साहित्य से और संगीत से, उनको बहुत ही प्रेम था उसका। देखिए एक दिन वन डे ऑन अ फाइन मॉर्निंग, बहुत ही सुहावना सुबह था, ही वॉज वॉकिंग इन हिज वास्ट गार्डन, उसका जो गार्डन था बहुत बड़ा था, उसी में वो क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। हिज गार्डन वॉज लीन विथ अ ट्रीज दैट प्रोड्यूस द टेस्टी एंड जूसी फ्रूट इन द होल किंगडम, उसका उस इसी गार्डन से क्या होता था पूरे साम्राज्य में टेस्टी स्वादिष्ट फल और रसीले प्राप्त होता था। देयर वेयर फ्लावर ऑफ द शेप एंड साइज इन हिज गार्डन, इसके मतलब सभी तरह के साइज छोटे बड़े तरह के फूल थे। ही हैड हिज मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट मिनिस्टर ऑफ बीरबल विथ हिम, वो जो थे बीरबल के साथ थे, जो उनका जो सबसे भरोसामंद जो मिनिस्टर था वह बीरबल था। बट द ग्रेट एम्पायर अकबर डिड नॉट हैव पीस ऑफ माइंड, द इक्वलिटी विथ विच नो वन नॉट इवन द किंग ऑफ द किंग कैन अप्रिसिएट ब्यूटी, तो वो नहीं देख रहे थे। देखिए तो पहला है कि ए नंबर टिक द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर उसमें टिक करना है। पहला है अकबर वाजवाल किंग इन हिज गार्डन, उसका देखिए वो जो गार्डन में था कब टहल रहा था, इन द मॉर्निंग एट नाइट इन द इवनिंग, वो सुबह में टहल रहा था, तो ए वाला हो जाएगा, ए में टिक लगा दीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर है बीरबल वाज अकबर्स इनमी ब्रदर मिनिस्टर, तो वो मिनिस्टर थे, यहाँ पे लिखा भी था मिनिस्टर, तो मिनिस्टर में टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए दिया हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका आंसर लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि हु वाज अकबर, अकबर कौन थे, तो यहां से लिख दीजिएगा एम्पायर अकबर, यहां से लिख दीजिए एम्पायर अकबर हु रूल ओवर इंडिया वाज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट साइंस लिटरेचर एंड म्यूजिक, इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार यहां पे लिख दीजिएगा, मैं लिख देता हूं एम्पायर अकबर हो रोल्ड ओवर इंडिया वाज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट आर्ट साइंस SCIENCES साइंस लिटरेचर एंड म्यूजिक। देखिए उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हाउ वाज द गार्डन ऑफ अकबर, तो इसमें लिखिए क्या द गार्डन ऑफ अकबर, लिखिएगा द गार्डन ऑफ अकबर वाज भास्ट, बहुत बड़ा था, भास्ट लाइन विथ
trees that यहां से लिखिएगा प्रोड्यूस PRODUCED द टेस्टिस एंड फ्रूट इन द होल किंगडम किंगडम इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा. उसके बाद यहां पे लिख दीजिएगा देयर वेयर अ फ्लावर ऑफ ऑल शेप एंड साइज इन हिज गार्डन. इतना भी लिख दीजिएगा, यहां पे नहीं जगह है तो मैं छोड़ दिया हूं, ये लिख दीजिएगा आप लोग. उसका देखिए है व्हाट क्वालिटी इन रिक्वायर्ड टू एप्रिशिएट ब्यूटी. तो इसमें लिखिएगा द पीस ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड टू ब्यूटी. इतना हो जाएगा. उसके बाद देखिए दिया हुआ है डू एज डायरेक्ट. देखिए इसमें क्या है, लास्ट इवनिंग माई मदर एंड आई वॉच द न्यूज ऑफ टेलीविजन फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है. तो यहां पे मदर माई मदर एंड आई तो दो आदमी है तो वेयर का प्रयोग होगा WERE वेयर वॉचिंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा वॉचिंग WATCHING लगा दीजिएगा तो हो जाएगा. उसके बाद देखिए दिया है द गार्डन ऑफ अकबर वाज डेस ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गार्डन फिल इन द ब्लैंक्स विथ द कंपरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव. तो इसको कंपरेटिव डिग्री बनाना है तो देखिए इसमें मोर लगा दीजिएगा तो हो जाएगा MORE मोर ब्यूटीफुल ट्रीफुल लिख दीजिएगा. उसके बाद देखिए लिखा हुआ है तीसरा नंबर ही टुक एन अम्ब्रेला बट आई फॉरगेट टू टेक फिल इन द ब्लैंक्स विथ पॉसेसिव प्रनाउन में क्या आता है देखिए यहां पे माइन लगा दीजिएगा तो हो जाएगा. उसके बाद देखिए दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. देखिए इसमें जो है विश्व का सबसे जो बड़ा है माउंट एवरेस्ट तो लिख दीजिएगा हाईएस्ट HIGHEST. उसके बाद देखिए है आई एम नॉट सो स्ट्रांग एज यू री राइट द सेंटेंस यूजिंग द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. तो इसको फिर से लिखना है तो इसमें लिख दीजिएगा स्ट्रांग की जगह पे क्या हो जाएगा स्ट्रांग की जगह पे वीक हो जाएगा. तो लिख दीजिएगा आई एम नॉट सो वीक वीक ये स्ट्रांग की जगह पे वीक कर दीजिएगा एज यू हो गया. उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि राइट अ स्टोरी इन अबाउट 17 वर्ड्स यूजिंग द फ्लोइंग आउटलाइन गिव अ सुटेबल टाइटल टू योर स्टोरी. सुटेबल टाइटल लिखना है 7 नंबर का है. देखिए मैंने लिख दिया इस प्रकार आप लोग भी लिख दीजिएगा. देखिए द पुलिस एस टाइटल हो जाएगा. देखिए लिखिएगा अ सॉल्ट सेलर यूज टू कैरी द सॉल्ट बैग ऑन हिज एज टू द मार्केट एवरी डे
on the way they had to cross a stream. One day the ice suddenly tumbled down the stream and the salt bag also fell into the water. The salt dissolved in the water and hence the bag became very hard to carry. The ass was happy. Then the ass started to play the same trick every day. The salt sailor came to understand the trick and decided to teach a lesson to it. The next day he loaded a cotton bag on ass. Again it played the same trick, hoping that the cotton bag would be still become lighter, but the damped cotton became very heavy to carry and it suffered much. It learned a lesson after what it did not play the trick and the sailor was happy. इतना ही लिखना पर्याप्त है।